उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तय करने के लिए कल बुलाई गई विपक्ष की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। हिंद महासागर में आज से भारत, अमेरिका और जापान की नौसेना का संयुक्त अभ्यास शुरू हो रहा है। लंदन के मशहूर कैमजेन मार्केट में बीती रात भीषण आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका है। सतलुज यमुना लिंक नहर के मामले में इंडियन नेशनल लोकदल ने आज पंजाब से हरियाणा और दिल्ली आने वाले वाहनों को रोकने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ में सीजफायर को तोड़ते हुए भारतीय इलाकों में मशीन गन और मोर्टार दागे हैं। मेरठ में सरेआम समाजवादी पार्टी के पार्षद की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। सीबीआई छापों के बाद लालू यादव ने आज सुबह 10 बजे आरजेडी के विधायक दल की अहम बैठक बुलाई है। नागपुर के वेरा डैम में नाव पलटने से 4 लोगों की मौत और 4 लोग लापता हैं। इराकी सेना ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के गढ़ को मोसूल पर कब्जा कर लिया है। टी20 के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी है। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों ने आईटीओ के पास ऑटो में सवार महिला से लूटपाट की तो देर रात लाजपत नगर में युवती से पर्स छीनने की कोशिश की गई है। चीन के मीडिया ने धमकी देते हुए कहा कि तीसरे देश की सेना भी कश्मीर में घुस सकती है। यूपी में भ्रष्टाचार की शिकायत सीधे सीएम कार्यालय में कराने के लिए जल्द ही हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। बीसीसीआई की एडवाइजरी कमेटी आज टीम इंडिया के नए कोच के लिए आवेदकों का इंटरव्यू लेगी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा गेट घोटाले की जांच कर रही जेआईटी आज सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप सकती है। कोर्ट की अवमानना के दोषी विजय माल्या के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट सजा सुना सकता है। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान बिना अनुमति के लाउडस्पीकर और भड़काऊ गाने बजाने पर सरकार ने रोक लगाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मतदान मौलिक अधिकार जरूर है लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं है, उसे देश में अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।